बेहतरीन वास्तुकला का नायाब उदाहरण। पर्यावरण के अनुकूल किसी भी अनहोनी से बचने या झेलने के लिए तैयार भूकंप रोधी इमारत, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल, अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था, पेपरलेस कामकाज के लिए डिजिटल व्यवस्थाएं, ये नए भारत का संसद भवन है। इस अमृत काल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को, मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, मुक्त गीत हो रहा, नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए। मौजूदा संसद भवन को हाईटेक प्लेटफॉर्म के तौर पर बनाया गया है जो सांसदों, संसद, नागरिकों और सरकार को सशक्त और कनेक्ट करेगा। इस अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का मकसद देश के सर्वोच्च संस्थान को सुविधाजनक, सुरक्षित और सशक्त बनाना है। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नविक्रम सिंह। पुराने संसद भवन में आजाद भारत को मजबूत करने के लिए बुनियाद रखी गई, वहीं नए संसद भवन के जरिए देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनेगा। इस नए संसद भवन में प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है, वहीं आधुनिकतम तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। आज अपने विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे संसद भवन में इस्तेमाल की गई आधुनिकतम तकनीक के बारे में। भारत के संसदीय इतिहास में अब एक और नया अध्याय जुड़ चुका है, जहां नए भारत की संकल्पनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। नया संसद भवन अब अपनी जगह ले चुका है और अगले कई दशकों तक भारत के लोकतंत्र को सेवा देने के लिए तैयार है। ये नया संसद भवन समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के तत्वों को आधुनिक वास्तुशिल्प डिजाइन के साथ जोड़ता है। इस इमारत को आधुनिक संसद की उभरती जरूरतों को पूरा करने और बेहतर तकनीकी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। सभी ऑर्गन्स ने मिलकर बहुत ज्यादा इंटेंस तरीके से काम किया। हम लोग हर वीक और बाद में हर दिन इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करते थे, ऑन साइट मॉनिटरिंग करते थे। कंप्लीट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, एक जगह से बैठ के आप पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी सारी सर्विसेज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके सारे मेंटेनेंस के जो सिस्टम्स बनाए गए हैं, स्मार्ट एलिमेंट्स का, पेपरलेस बिल्डिंग बनाई गई है, सभी डॉक्यूमेंट्स का मूवमेंट डिजिटली किया जाएगा और संसद सदस्यों को, यहाँ पे काम करने वाले संसद के सभी कर्मचारियों को सुविधा हो उनकी काम करने में, उनके डिजिटल इन्वॉल्वमेंट में, इस पर बहुत ध्यान दिया गया है। नए संसद भवन में ऊर्जा और जल संरक्षण के लिए भी बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस भवन को बनाने में परिसर में मौजूद पेड़ों को खत्म नहीं किया गया, बल्कि उन्हें स्थानांतरित किया गया या फिर मौजूदा पेड़ों के हिसाब से ही डिजाइन को तैयार किया गया है। संसद भवन में लगी एक एक ईंट को जोड़ने में आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसका पूरा निर्माण करने में इंजीनियरिंग का बेहतरीन इस्तेमाल करना पड़ा। हमने 3D विजुलाइजेशन किया, पूरी स्ट्रक्चर डिजाइन 3D में की, उसको फैब्रिकेट किया गया फैक्ट्री में,
उसको फिर यहाँ के असेंबल किया गया, फिर उसको छप्पर जोड़ा गया, उसका सीलिंग जोड़ा गया। सो अनेक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, अनेक मॉडर्न टेक्निक्स को इस्तेमाल करते इसको बनाया गया। इसका स्टोन क्लैडिंग भी एक प्रकार से हाईली टेक्निकल जॉब है। इसको भी हमें करने में काफ़ी एनालिसिस करना पड़ा, पत्थर कैसे जोड़ा जाए, कैसे सेफ रहेगा, इसको कैसे सेस्मिक जोन 4-5 के लिए तैयार किया जाए। तो वो भी अपने आप में एक टेक्निकल एनालिसिस था, एक मेथड थी जिसको एनालिसिस करके हमें लगाना था। एक तरफ भवन को भव्य बनाया जा रहा था, दूसरी तरफ इसे अभेद्य बनाने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम अपने टेक्निकल स्टाफ के साथ 1.5 साल तक दिन रात जुटी रही। संसद की नई इमारत में अंदर कदम रखते ही यहाँ की अभेद्य सुरक्षा का अंदाजा हो जाता है। थर्मल इमेजिंग सिस्टम से परिसर में किसी भी तरह की घुसपैठ का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। इसके अलावा संसद भवन की परिसर की निगरानी के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस एडवांस कैमरा लगाए गए हैं। इस कमांड सेंटर से संसद परिसर में होने वाली एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। संसद भवन को हमें 24/7 × 365 डेज के हिसाब से सुरक्षा प्रदान करनी है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर हमेशा ही हम सतर्क रहते हैं, चौकस रहते हैं। तो उसमें जो भी सुरक्षा के बेस्ट इंतजाम हो सकते हैं वो हम लोग बाकी हमारी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनके साथ मिलकर आपस में करते हैं। नए संसद भवन को पेपरलेस बनाया गया है, सांसदों के लिए भी डिजिटल व्यवस्था की गई है। सांसदों के लिए हर सीट पर टैबलेट की तरह एक मल्टीमीडिया डिवाइस मौजूद है। संसदीय सत्र संबंधित जानकारियां इस डिवाइस में एक क्लिक पर उपलब्ध रहेंगी। सदस्यों को रूल बुक समेत तमाम जानकारियां इस डिवाइस के जरिए मिल सकेंगी। सभी सदस्यों के बारे में जानकारी इस डिवाइस में मौजूद रहेगी। कोई भी सदस्य अगर अपनी बात रखना चाहता है तो वो इस डिवाइस के जरिए बोलने के लिए अनुरोध कर सकता है। सदस्यों के अनुरोध की जानकारी राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष के साथ ही साउंड कंट्रोल से जुड़े लोगों के पास पहुंच जाएगी। सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार भाषा का चयन भी डिवाइस में कर सकते हैं। संसद में वोटिंग के दौरान भी इस डिवाइस की अहम भूमिका है। वोट डालने के लिए प्रस्ताव मल्टीमीडिया स्क्रीन पर दिखाई देता है। काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही निर्धारित समय के भीतर वोट रजिस्टर करना होता है। मल्टीमीडिया डिस्प्ले के नीचे वोट सिक्योर करने का एक बटन है, जिसे दबाने के साथ ही सदस्यों को यस, नो या एब्स्टेन का विकल्प दबाना होगा। रजिस्टर किए गए वोट सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने लगते हैं। सांसदों के लिए इतनी डिजिटल सुविधाएं हैं, जिसे देखकर सांसद खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। पेपरलेस ऑफिस ये हमेशा हमारी सोच रही है, और जिस तरह से नए सदन में आप देखें कि पेपरलेस एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ किया गया है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत अच्छा कदम है। और विशेषकर पेपरलेस ऑफिस और सस्टेनेबिलिटी के लिए जो ग्रीन पार्लियामेंट्स का मुहिम पूरे दुनिया में चल रहा है, इसमें ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। जिन सज्जनों को आधुनिक तकनीक के ऊपर शिफ्ट करने में थोड़ा संकोच रहता है, स्वाभाविक होता है कभी, उनको अपने कामकाज की मजबूरी के तहत सीखना पड़ेगा, तो उनका स्पॉन्टेनियस प्रशिक्षण भी हो जाएगा। भारत में नई टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन और ग्रीन ऊर्जा और सारे नए सिस्टम आए हैं, तो इस नई तकनीक के द्वारा यदि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे दुनिया के सामने। और हमको विश्व गुरु बनना है, फिर से विश्व को नंबर एक तक पहुँचाना है, तो निश्चित रूप से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना जरूरी है, और वो यहाँ किया जा रहा है। खूबसूरत आधुनिक यंत्रों से लैस आवाज़, बहुत बहुत गंभीर। और मुझे लगता है कि हमें लगता था कि इतने बड़े में बैठेंगे क्या, ये तो फिर से भरा भरा लगने लगा है। तो इसका मतलब हम पुराना तो था अच्छा, लेकिन ये उससे बहुत ही खूबसूरत है। देश के प्रधानमंत्री का बड़ा विजन
टेक्नोसेवी पार्लियामेंट आने वाले हमारा देश का जो विकसित भारत की तरफ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम, अल्ट्रासाउंड है, इको फ्रेंडली है और मुझे लगता है कि हर कदार पे लाइब्रेरी हो या सदन के कामकाज के लिए हो, टोटली कंप्यूटराइज्ड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी से लेते हुए सदन का कामकाज हो रहा है। टेक्नोलॉजी तो कमाल की है और अभी हम सब देख रहे थे यहाँ हर जगह नए तरह से नई तकनीक का हर जगह प्रयोग हुआ है। जो सांसद जानकार हो तो प्रयोग करिए, जो नहीं हो वो भी सीख रहे हैं और सभी विज्ञ हो रहे हैं, सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। ये एक विजनरी डिसीजन है कि दुनिया के शायद इतना वेल इक्विप्ड कोई भी दुनिया का संसद भवन इतना हो। मैंने कई जगह देखा है, कई देशों में देखा जाके वहाँ के संसद भवन को, लेकिन आज जो आनंद की अनुभूति मुझे यहाँ पर हुई है, कंप्यूटर से सारी फाइलें खुल रही थी, एक एक चीज़ हर चीज़ डिजिटल है। भारत के नए संसद भवन के संविधान हॉल की त्रिकोणीय छत से फैकॉल्ट पेंडुलम एक बड़े रोशनदान से लटका हुआ है जो अपनी धुरी पर घूमते हुए फर्श को छूता है। ये ब्रह्मांड के विचार के साथ भारत के विचार के एकीकरण का प्रतीक है। कोलकाता के नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा निर्मित ये पेंडुलम अपने आप में एक मास्टरपीस है जिसकी ऊंचाई करीब 22 मीटर है और इसका वजन 36 किलोग्राम है। जमीन पर पेंडुलम की गति को अनुमति देने के लिए एक गोलाकार स्थापना बनाई गई है जिसके चारों ओर एक छोटी सी ग्रिल है जहां विजिटर्स चारों ओर खड़े हो सकते हैं। अभी जो सेंट्रल जो सेंट्रल फोयर है वहाँ का एक थीम है, दिस इज सिंबलाइजिंग कि हाउ अ नेशन इज बीइंग फोर्स्ड। सो ऑन वन साइड वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दैट इज द गाइडिंग फोर्स, द पासिंग ऑफ टाइम इज रिफ्लेक्टेड बाय द पेंडुलम, ऑन द टू साइड्स यू हैव द पीपल वॉल, सो द पीपल ऑफ इंडिया through the passing of time with a constitution in front of them are trying to build a nation. That is what that space is trying to signify. So that is the main idea here. Foucault pendulum naam 19वीं शताब्दी के फ्रांसीसी वैज्ञानिक लियोन फैकल्ट के नाम पर रखा गया है। ये पूरी तरह से पृथ्वी के रोटेशन पर आधारित है। जैसे जैसे पृथ्वी अपने धुरी पर घूमेगी वैसे वैसे समय का पता चलेगा। ये पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने का एक सरल प्रयोग है। 1851 में जब फैकॉल्ट ने जनता के लिए ये प्रयोग किया तो ये इस तथ्य का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। देश की प्राचीन संस्कृति के साथ मौजूदा वक्त की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया नया संसद भवन आधुनिकता और सांस्कृतिक विरासत का बेजोड़ संगम है। नया संसद भवन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। नए संसद भवन में अहम कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिस बनाए गए हैं जो हाईटेक सुविधाओं से लैस हैं। कैफे, डाइनिंग एरिया, कमेटी मीटिंग के लिए तमाम कमरों में भी हाईटेक इक्विपमेंट लगाए गए हैं। लगभग 9.5 एकड़ में फैले नए संसद भवन को कोविड-19 महामारी और दूसरी बाधाओं से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद एक छोटी अवधि के भीतर पूरा किया गया। इस सपने को साकार करने में जो सबसे अहम योगदान है वो है श्रमजीवियों का, जिन्होंने इसे आकार दिया है। और इन श्रमजीवियों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदन की कार्यवाही के पहले दिन किया। इस सदन में एक डिजिटल बुक रखी गई है, जिस डिजिटल बुक में उन सभी श्रमिकों के पूरा परिचय इसमें रखा गया है ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि हिंदुस्तान के किस कोने से कौन श्रमिक ने आकर के इस भव्य इमारत को, यानी उनके पसीने को भी अमरत्व देने का प्रयास
इस सदन में हो रहा है, ये एक नई शुरुआत है, शुभ शुरुआत है और हम सबके लिए गर्व की शुरुआत है। अब इन श्रमजीवियों का योगदान भी संसद में हमेशा के लिए अमिट हो गया। उन श्रमवीरों के नाम नहीं लिखे जाते जिनके श्रम से ये सारी वास्तु खड़ी हुई है। हमने यहाँ पर एक पैनल बनाई है जो डिजिटल वॉल है, उस डिजिटल वॉल में हमने 42,000 उन श्रमवीरों का उल्लेख किया है जिन्होंने इसमें समय समय पर अपना योगदान दिया है। उस वॉल का नाम रखा है हैंड्स दैट मेड इट हैपन, वो हाथ जिन्होंने इस स्वप्न को साकार किया है। तो आप जाएंगे तो आपको उन श्रमवीरों के नाम, आप उनके स्थान से सर्च कर सकते हैं, उनके प्रांत के नाम से सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। और 42,000 श्रमवीरों का डाटा हमने वहाँ पर डाला है। तो ये जो काम है, और ये माननीय प्रधानमंत्री की जी की ही कल्पना थी, उन्होंने ही कहा कि कैसे वो जो हमारे श्रमवीर हैं उनको कैसे जुड़ाव महसूस होगा, तो इसलिए वो पूरी की पूरी डिजिटल वॉल बनाई गई है। तो जब आप जब इस बात को सोचते हैं कि ये भारत के जन जन का प्रतीक कैसे है, तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ से हमको समझ में आता है कि भारत का ये जो नया संसद भवन है, ये भारत के 140 करोड़ वासियों की जन आकांक्षाओं का प्रतीक है। संसद भवन में हर कामगार का नाम होना यहाँ काम कर चुके हर श्रमिक के लिए गौरव का मौका है। संसद भवन को बनाने, सजाने, सवारने में जिन श्रमवीरों ने योगदान दिया, प्रधानमंत्री ने भी उनका जिक्र हर जगह हमेशा किया और उनके योगदान को सराहा। आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही श्रमवीर मौजूद हैं जिनका योगदान है इस संसद भवन में, और हम जानेंगे क्योंकि उनका नाम हमेशा के लिए यहाँ डिजिटल तौर पर दर्ज हो गया है उस डिजिटल वॉल में। तो जानते हैं लोगों को कि कैसा महसूस हो रहा है। नाम बता दो अपना। सर, मेरा नाम MD दिलशाद हुआ। दिलशाद, कैसा लग रहा है अब तुम्हारा नाम हमेशा इस संसद भवन में? सर, इस बात की बहुत खुशी है कि हम लोगों ने पार्लियामेंट को बनाने में अपना योगदान दिया जी। और इस बात की बहुत खुशी है कि आने वाले टाइमों में हमें लोग याद करेंगे, हमारा नाम इस जगह पे रहेगा। जनरेशन बहुत खुशी हो रही है इस बात की जी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? गोविंदा चौहान। गोविंदा जी, कैसा लग रहा है आपका? तो वहाँ एकदम फोटो वगैरह पूरी जानकारी आ रही है जब आप आधार कार्ड डाल रहे हैं, किस तरीके से? सर, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं भी डेढ़ दो साल से इसी में काम कर रहा हूँ सर। ये अच्छा गर्व हो रहा है कि हम लोग संसद भवन बनाने में हम लोग का योगदान रहा। आज संसद की कार्यवाही के पहले दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप लोगों का जिक्र किया और आपके योगदान को सराहा। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि आपने काम तो कई जगह किया होगा, लेकिन कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि भारत के संसद भवन में आपके काम को हमेशा याद रखा जाए? ये एक ऐसी भवन है जिससे हम किसी की तुलना नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र की ये मंदिर है, और ये मंदिर जो अब बनी है वो आने वाले 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी जनरेशन है उसके बाद ही कोई परिकल्पना की जा सकती है। जब हम परिकल्पना नहीं किए थे कि हम कहीं हमारा नाम आएगा, हमने लाखों जब मतलब ये अभी तक हमने सैकड़ों जगह काम किए हैं, कहीं हमारा नाम नहीं सुर्खियों में आया। यहाँ पे आने का जैसे हमने अपना नाम या आधार कार्ड नंबर डालते हैं, वैसे ही हमारा नाम ऊपर डिस्प्ले पे शो कर जाता है। तो हमें काफ़ी सर खुशी होती है कि हमारा नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोगों का भी नाम ऐसे आ जाएगा। सोचा था काम करेंगे, निकल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, लेकिन सरकार ने मतलब ध्यान में रखा कि इतना लोगों ने काम किया है तो उनका भी हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसमें किया है कि कोई अपना आधार कार्ड डाल के उस पर देख सकता है अपना फ़ोटो, मतलब क्या क्या काम किया। भविष्य में तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ काम किया है श्रमवीरों में, उनमें बेहद खुशी है कि कभी भी अगर इनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी, इनके साथी भी संसद भवन में आएंगे, तो वो सिर्फ इनके नाम या आधार कार्ड के ज़रिए वो देख सकेंगे। उस डिजिटल वॉल में इनका नाम और पूरा पता सामने होगा कि जिन लोगों ने यहाँ श्रम में योगदान दिया है। इस नए संसद भवन के लिए इस्तेमाल सामग्री देश के विभिन्न हिस्सों से मंगवाई गई है। नई संसद भवन के निर्माण में देश के करीब करीब हर प्रांत की विशिष्ट वस्तुओं का उपयोग किया गया है। एक तरह से लोकतंत्र के मंदिर के निर्माण के लिए पूरा देश एक साथ आया। संसद भवन पर हमारे विशेष कार्यक्रम में इतना ही।
आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे, मेरे साथी कैमरा पर्सन DK पांडे और साथी हरि प्रसाद को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी।